अपनी राशि अनुसार आपको कौन सी ऐसी औषधि, हर्ब्स और इंग्रेडिएंट्स अपने नहाने के पानी की बाल्टी में डालनी है ताकि आप अपने डेली गुड लक को इनहेंस कर सकें। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मैं गुरु मां रुक्मणी स्वागत कर रही हूँ आपका हमारे चैनल ग्रहों की बात में। लास्ट में आज आपको बताऊंगी नौ ग्रह औषधि स्नान की विधि, यानी कि किस प्रकार से आप स्नान करें, नहाएं ताकि आपके सभी ग्रह दोष समाप्त हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ आपको कि नहाने के पानी की बाल्टी में आपने रोजाना क्या मिलाना है ताकि आपका डेली पूरा दिन लकी हो जाए। अगर आपकी राशि कर्क राशि है, यानी कि कैंसर राशि है, या फिर आपके नाम का प्रथम अक्षर इनमें से किसी एक अक्षर से प्रारंभ हो रहा है, आपने नहाने के पानी की बाल्टी में दो प्रकार की चीजें मिलानी है। सबसे पहली है औषधि। मैं आपको दो तीन ऑप्शन दूंगी, उनमें से कोई सी भी औषधि आप मिला सकते हैं। दूसरा मिलाना है आपने एरोमा ऑयल, जो एसेंशियल ऑयल होता है, यानी कि जो फूलों से जो रस निकाला जाता है, वो एसेंशियल ऑयल इस प्रकार की बॉटल में आता है। दो से तीन ड्रॉप आप डेली उसका यूज कर सकते हैं। अब जो औषधि आपने मिलानी है वो है जो थोड़ा सा दूध होता है उसको मिला सकते हैं, नहीं तो शंख या सीपी या मोती आपके पास हो तो उसको मिला सकते हैं। इसके साथ ही जो एरोमा ऑयल आपको मिलाना है वो है लिली का हो सकता है, जैस्मीन का हो सकता है, या फिर गुलाब का भी प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा दूध, बहुत छोटी सी चम्मच से आप दूध जो है अपने नहाने के पानी बाल्टी में डाल सकते हैं। एरोमा ऑयल जो है आपने उसको लेना है, और उसको लेकर के आपने अपने नहाने के पानी की बाल्टी में दो तीन बूंद इसके डाल लेने हैं। नहाते समय हमेशा ही पैरों से स्टार्ट करें। सबसे पहले अपने दोनों पैरों पे पानी डालें, अपनी थाइस पे पानी डालें, उसके बाद पेट पर, छाती पर, हाथों पर, और लास्ट में अपने सर पर पानी डालें। इससे हार्ट अटैक का खतरा और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा नहीं रहता है। अब इसके पीछे भी रीजन समझ लीजिए। आपने बहुत सारे बुजुर्गों को ऐसे कहते हुए सुना होगा या ऐसी खबरें सुनी होगी जहां पर नहाते समय उनका पैर फिसल गया। वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम नहा रहे होते हैं, ब्लड फ्लो है जो कि ऊपर से नीचे को जाता है, उसमें हैम्परिंग होती है, यानी कि सीधा सर पे पानी डालने से आपके क्लॉट्स भी जम सकते हैं। इसलिए हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज, चक्कर आना, नंबनेस फील होना, पैरालिसिस होना, ये सारी चीजें पॉसिबल है। तो आप हमेशा ही पैरों से स्टार्ट करके फिर लास्ट में सर से स्नान करें। आगरा जिला का हूँ, अब मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ। जब से हम बहुत परेशान थे, जब से गुरु वहाँ से जुड़े हैं, जब से हमारी सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो रही है। गुरु माँ का दरबार निःशुल्क दरबार है, एक रुपया भी किसी से कोई फीस नहीं ली जाती। जो भी व्यक्ति आता है उसकी जन्म कुंडली देख कर गुरु माँ। मेरा नाम महेश चंद्र गुप्ता, मैं तिलक नगर ख्याला से आया हूँ, नई दिल्ली से। मैं अपना मकान के चक्कर में आया था, मेरा मकान बेचना था। गुरु माँ ने जो बताया उस हिसाब से मेरा मकान बिक गया। अब मैं आया हूँ अपने परिवार के बारे में जानकारी करने के लिए, तो उन्होंने अभी उपाय बताए, वो मैं आगे करूँगा। नहाने का सही समय भी समझ लीजिए। हमारे शास्त्रों में चार प्रकार के स्नान का यानी नहाने के समय का उल्लेख है। सबसे पहले होता है देव स्नान, यानी कि सुबह के समय, सनराइज के समय जब सूर्य उदय होता है, उससे एक घंटा पहले जो स्नान किया जाता है उसे हम देव स्नान कहते हैं। ऐसा स्नान करने से व्यक्ति की जो ऊर्जा है वो बढ़ती है, उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, उसकी अलर्टनेस बढ़ती है, और वो अपने पूरे दिन में एनर्जेटिक महसूस करता है। दूसरा स्नान होता है मनुष्य स्नान, यानी कि सूर्य उदय हो गया है, सूर्य देवता आ चुके हैं, उनके एक दो घंटे बाद आप स्नान कर लेते हैं, तो ये भी इतना बुरा नहीं है। ऐसे में भी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। अब मान लीजिए कि आप इसके भी बाद नहाते हैं, यानी कि 12 बज गए दोपहर के और उसके बाद नहा रहे हैं, तो इसे कहते हैं राक्षस स्नान। राक्षस स्नान से किसी प्रकार का लाभ नहीं होता है, उल्टा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, आपकी इम्यूनिटी घटती है, बीमारियां होने के चांसेस आपको और ज्यादा बढ़ जाते हैं, और जितनी एनर्जी आपको थोड़ी बहुत होगी वो भी निकल जाती है, ड्रेन हो जाती है।
और चौथा होता है सबसे खतरनाक प्रेत स्नान, यानी कि जो भी सूर्य अस्त के बाद स्नान करता है, सूर्य अस्त के बाद नहाता है, ऐसा व्यक्ति तो भैया मृत के समान है, उसे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता है। और एक और कैटेगरी है जो कलयुग में शुरू हो गई है, वो है नो स्नान, यानी कि जो व्यक्ति नहाता ही नहीं है उसको तो भैया क्या ही कह दे। जय श्री कृष्ण। अब मैं आपको बता रही हूँ नवग्रह औषधि स्नान की विधि। घर में आपको लगता है कि सभी लोग जो है उनको कोई ना कोई समस्या आती रहती है, सभी के ग्रह जो है वो बैलेंस में नहीं है, सभी के ग्रह कुछ ना कुछ खराब चलते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें नवग्रह औषधि स्नान करना चाहिए। स्नान बैग बनाने के लिए आपको चावल, चने की दाल, मूंग, गेहूं, काले तिल, सफेद तिल, पीली सरसों, लाल चंदन, सफेद चंदन, हल्दी, लोबान, हरी इलायची, केसर, गुगल, गुलाब जल इनका प्रयोग करना है। गुलाब जल को आप आखिरी में भी डाल सकते हैं और चाहे तो सामग्री के साथ भी मिला सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लास्ट में जो आपका बैग बना है उसको गुलाब जल भी आप भिगो करके उसका इस्तेमाल करें। वीडियो में बताए गए किसी भी औषधि से, किसी भी हर्ब या इंग्रेडिएंट से अगर आपको एलर्जी है तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। एक सिंगल बैग आप बना सकते हैं, एक ही बैग से आपका पूरा परिवार डेली नहा सकता है। बड़ी सिंपल सी विधि है। कुछ घरेलू सामग्री आपने इकट्ठी करनी है, उसको आपने पीसना है और पीस करके देखो क्या करना है। इस प्रकार से जो टी बैग आता है, ठीक है, वो टी बैग आपने ले लेना है। टी बैग कोई महंगा नहीं आता है, 100-150 रुपए या 200 रुपए तक का टी बैग आपको मिल जाएगा। इसका जो बैग है हमें उसका उपयोग करना है। उस बैग के लिए आप केवल इसकी पत्ती बाहर निकालो, क्योंकि किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आपने इस बैग को खोल लिया है ताकि हम इसके अंदर जो औषधि प्रिपेयर करेंगे वो डाल सके। साथ में एक स्टेपलर रख लीजिए ताकि हम इसको बंद कर सके। अगर आपको ये बैग नहीं मिलता है तो भी चिंता मत करिए, एक मलमल का जो चुन्नी होती है उसका एक कपड़ा ले लीजिए, उसकी भी पोटली बना करके उससे भी आप स्नान कर सकते हैं और नेक्स्ट डे फिर आप इसको चेंज कर दीजिए। इस प्रकार से सभी सामग्री जो मैंने आपको बताई है उन सभी को आप मिला लें। मिलाने के उपरांत एक छोटी चम्मच लेकर के आप उस टी बैग में या फिर कपड़े की मलमल की जो पोटली बनाए उसके अंदर इसको भर लें। से ये बैग तैयार है, ये मैंने इसमें औषधि भर ली है। अब मैं इसको बंद करने जा रही हूँ। इसको फोल्ड करें, फोल्ड कर लिया मैंने। अब इसमें एक स्टेपलर मार दें। हमारा औषधि बैग तैयार हो चुका है। इसको नहाने के पानी की बाल्टी के साइड में आप लगा सकते हैं और लगा करके इससे आराम से 5 से 7 जने स्नान कर सकते हैं। औषधि स्नान को आप कम से कम 43 दिन जरूर करें और चाहे तो डेली रूटीन में भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं, यानी रोजाना इस औषधि स्नान का प्रयोग कर सकते हैं। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं, ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे, ऐसी कामना करते हुए आपको आशीर्वाद देते हुए आज के वीडियो को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। फिर से मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।